दोस्तों क्या आपको पता है कि आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी को 14 करोड़ का जुर्माना लगा है और फिर हाल ही में आईफोन के साथ चार्जर न मिलने पर चीनी छात्रों ने केस कर दिया है, नया चार्जर और 1200 रुपये लीगल फीस की भी डिमांड की है। यानी स्टूडेंट्स ने नया चार्जर के लिए भी मांग की है और 1200 रुपये लीगल फीस के लिए भी। लीगल फीस का मतलब हुआ कि केस लड़ने में जो खर्च होता है, यानी 1200 रुपये का जो खर्चा आएगा उसकी भी मांग की है। आपको बता दें कि हाल ही में ब्राजील की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी प्रोकॉन एसपी ने एप्पल पर $2 मिलियन यानी तकरीबन 14 करोड़ का जुर्माना लगाया है फोन के साथ चार्जर न देने की वजह से। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, लाइक एप्पल कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो नियम है उसकी वजह से। एजेंसी ने एप्पल कंपनी से यह पूछा कि चार्जर निकालने के बाद आईफोन की जो रेट है वो कम कर दी गई है या नहीं। यानी पहले जो आईफोन मिलते थे तो उसके साथ चार्जर आता था, तो कंपनी जो है उस चार्जर का भी रेट उसमें इंक्लूड करके बेचा करती थी। लेकिन अब कंपनी ऐसा नहीं करती है, एप्पल कंपनी ऐसा नहीं करती है, वो आईफोन के साथ चार्जर नहीं देती है। इसलिए एजेंसी ने एप्पल कंपनी से कुछ सवालात किए हैं कि जब भाई आप चार्जर नहीं दे रहे हैं, फोन के साथ चार्जर नहीं दे रहे हैं, तो उसका आपने रेट कम किया है या नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एप्पल कंपनी ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। और हाल ही में आईफोन 12 प्रो मैक्स के साथ चार्जर नहीं देने के कारण चीन के कुछ स्टूडेंट्स ने एप्पल कंपनी पर केस कर दिया है। ये मामला चीन के एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा है। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसका USB C2 लाइटिंग केबल दूसरे चार्जर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपना आईफोन चार्ज नहीं कर पा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एप्पल कंपनी ने स्टूडेंट्स के दावे पे यकीन ही नहीं किया। और स्टूडेंट्स लोग का ये भी कहना है कि चाइना में जितने भी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर होते हैं, जितने भी सेल होते हैं, उन सभी मोबाइल फोन के साथ चार्जर मिलता है, लेकिन एप्पल कंपनी क्यों नहीं देती है। हाँ, मेरा भी यही मानना है कि आईफोन के साथ चार्जर देना चाहिए, क्योंकि आईफोन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर चीन के स्टूडेंट्स केस जीत लेते हैं तो एप्पल कंपनी को चार्जर के साथ लीगल फीस भी देना पड़ेगा, और अगर स्टूडेंट्स को देखकर पूरे चाइना के लोग चार्जर की डिमांड करने लग जाए तो एप्पल कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि आईफोन 12 प्रो मैक्स का जो चार्जर है, वायर्ड वाला जो चार्जर है, उसका प्राइस है 3800 रुपीज, एडेप्टर का 1900 रुपीज और USB केबल का भी 1900 रुपीज, यानी टोटल 3800 रुपीज पड़ता है। और अगर हम बात करें वायरलेस चार्जर की, यानी मैगसेफ की, तो उसका प्राइस है 4500 रुपीज। दोस्तों इसके लिए मैंने खुद एप्पल कंपनी से बात की है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो खैर, अगर स्टूडेंट्स केस जीत जाते हैं तो स्टूडेंट्स को देखकर पूरी चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एप्पल कंपनी से चार्जर की डिमांड करने लग जाए तो एप्पल कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो एप्पल कंपनी ने सिर्फ 7 महीने में 100 मिलियन से ज्यादा आईफोन 12 बेच चुके हैं। अगर पूरी दुनिया एप्पल कंपनी से चार्जर की मांग करने लग जाए या फिर चार्जर की कीमत की मांग करे तो एप्पल कंपनी को 38,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और ये डेटा मैंने सिर्फ वायर्ड चार्जर का बताया। अगर हम मैक्सिफ की बात करें तो मैक्सिफ का पड़ जाएगा 45,000 करोड़ रुपए, मतलब 45,000 करोड़ रुपए का एप्पल कंपनी को नुकसान होगा। तो सोचिए दोस्तों, ये डेटा मैंने सिर्फ 7 महीने का बताया है, अगर हम पूरे 1 साल का निकालें तो ये और कितना ज़्यादा हो जाएगा। और तो और, अगर हम आईफोन 13 प्रो की चार्जर की भी डिमांड करें तो ये और कितना ज़्यादा हो जाएगा। दरअसल एप्पल कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो एक्स्ट्रा कमा रहा है चार्जर नहीं देने की वजह से, यानी वो हम लोग के पॉकेट से पैसा निकलवाया जा रहा है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आईफोन के साथ चार्जर मिले तो इस वीडियो को पूरी दुनिया भर में फैला दें ताकि एप्पल कंपनी तक ये बात पहुंच सके कि आईफोन के साथ चार्जर देना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी कमेंट में मेंशन जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।